like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? आज मैं आपके लिए इस्लामाबाद से लेकर नारान तक का एक व्लॉग लेके हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस्लामाबाद से शुमाली इलाका जात की खूबसूरत और हसीन वादियों में जाना हो तो बेहतरीन और शॉर्टेस्ट रूट हजारा मोटरवे है, जिसे M15 का नाम दिया गया है। हजारा मोटरवे की तामीर के बाद से शुमाली इलाकों तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है। इस्लामाबाद से मानसेहरा तक का सफर अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की शॉर्ट सी राइड में कंप्लीट हो जाता है। इस मोटरवे की तामीर से पहले ये सफर 4 से 5 घंटों में कंप्लीट होता था। इस रोड पर सफर करते हुए इसके प्लानर्स, सिविल इंजीनियर्स और इसकी तामीर में हिस्सा लेने वाले मेहनतकशों को सलाम पेश करने को जी चाहता है। तकरीबन 1.5 घंटा की मुसाफत के बाद एबटाबाद टनल नंबर 1 का आगाज होता है, जिसमें दाखिल होते ही महसूस होता है कि जैसे हम रंगो नूर की किसी एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. टनल क्रॉस करते ही हमें एहसास हो जाता है कि अब शुमाली इलाका जात की खूबसूरती का आगाज हो चुका है। M15 पर सफर करते हुए इस रोड की सफाई और मेंटेनेंस पर मामूर अमले को दाद देने को जी चाहता है। तकरीबन 2 या 3 मिनट की एक मुख्तसर सी ड्राइव के बाद एबटाबाद टनल नंबर 2 आ जाती है। इस टनल की लंबाई टनल नंबर 1 से कदरे कम है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. इस टनल से निकलते ही खूबसूरत सरसब्ज और शादाब पहाड़ियाँ हमारा इस्तकबाल करती हैं। यहाँ हम हजारा डिवीजन की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
सी पैक से होने वाली डेवलपमेंट ने इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा के रख दिए हैं। तकरीबन 3.5 घंटे की राइड के बाद हम हजारा डिवीजन के देवमालाई खूबसूरती से माला माल मकाम बालाकोट पहुंचते हैं। यहाँ सरसब्ज और शादाब पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ और सबसे बढ़कर ये कि दरियाए कुनहार का बहता हुआ पानी हमारा इस्तकबाल करते हैं। दरियाए कुनहार के बहते पानी का शोर कानों में मशहूर कुन मौसीकी के रस खोलता है। ये दरिया नारान तक सड़क के किनारे किनारे बहता हुआ हमारा साथ देता है और जूं जूं वादी का गान की तरफ बढ़ते जाएं, इस दरिया का पानी कहीं चांदी जैसा सफ़ेद और कहीं नीलगुं दिखाई देता है। और सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के दरमियान बहते हुए इस दरिया को देखकर बेख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह का कलमा निकलता है। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. नारान के रास्ते में कदम कदम पर खूबसूरत नदियाँ चश्मे अब हमारा इस्तकबाल करते हैं। पुरसकून फिजाओं में इनका शोर कानों को बहुत भला महसूस होता है। It's clear to see.
can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो जनाब, इन हसीन नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए नारान, और दूर नज़र आने वाली आबादी दरअसल नारान का बाजार है, जहां पर हर लेवल के होटल्स टूरिस्ट की रहायश के लिए मौजूद हैं। तो आइए वहां चलते हैं। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ये है नारान का बाजार, जहां जरूरत की तमाम अशिया दस्तियाब हैं। Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह जीप स्क्राइपर दस्तियाब हैं, जो आपको लालाजार और सैफल मलूक तक लेकर जाती हैं। क्योंकि वहाँ आम गाड़ी से पहुँचना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए रास्ता अच्छा खासा दुश्वार गुजार है। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. यहाँ हर लेवल का होटल मौजूद है, जहाँ रात को क्याम का रेंट 2500 यानी 2500 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो और बात, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ आए हैं तो रोड से थोड़ा हट कर सस्ता रूम ले लें। हम चूँकि फैमिली थे, इसलिए एंड रोड के ऊपर हमने अपने पसंदीदा होटल कुन्हार व्यू में रहने का फैसला किया। यहाँ मिलने वाला कमरा लग्जरी रूम था, जो साफ सुथरा था। एक डबल बेड और एक सिंगल बेड के साथ एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी प्रोवाइड कर दिया गया था, बल्कि हमारी डिमांड पर एक दूसरा मैट्रेस भी दे दिया गया। अलमारी में 3 एक्स्ट्रा पिलोज और 2 कंबल भी मौजूद थे। अगली सुबह हमने नाश्ता होटल की बजाय बाहर करने का फैसला किया। यहाँ दरियाए कुन्हार में ट्राउट फिश बकसरत पाई जाती है। पाकिस्तान में ट्राउट फिश माली इलाका जात के दरियाओं के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। नारान में कई रेस्टोरेंट्स वालों ने छोटे छोटे एक्वेरियम्स बना रखे हैं, जिनसे वो ताज़ा ट्राउट मछली पकड़ कर कस्टमर्स को उसकी डिशेज बनाकर पेश करते हैं। सो हमने भी एक रेस्टोरेंट से ट्राउट करी का नाश्ता किया। नारान की ठंडी और खुशगवार सुबह में मछली और चाय के नाश्ते की क्या ही बात है। नारान में दरियाए कुन्हार में राफ्टिंग की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन चूंकि अभी अर्ली मॉर्निंग थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए हमने सोचा कि राफ्टिंग दिन के वक्त करेंगे।
दिन में हम कभी पैदल और कभी गाड़ी में सवार होकर नारायण के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. शाम को थोड़ा आराम करने के बाद हमने सोचा रात को क्यों ना नारायण के बाज़ार की सैर की जाए, खाना भी बाहर खाया जाए और कुछ ख़रीदारी भी कर ली जाए। आप देख सकते हैं नारायण के बाज़ार में ज़रूरत की हर शय दस्तयाब है। नारायण का बाज़ार देखकर हमें मरी का माल रोड याद आ गया। बाज़ार में घूमते हुए हमें ड्राई फ्रूट्स की एक शॉप नज़र आई तो हमने सोचा क्यों ना एक दो पैकेट्स मिक्स ड्राई फ्रूट के ले लिए जाएं, ताकि गाड़ी में अगर जब मुंह चलाने को जी चाहे तो हम ड्राई फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शॉपकीपर से ड्राई फ्रूट्स खरीदने के बाद हमने उसे सवाल किया कि COVID-19 के दौरान काफ़ी कमी आ गई है टूरिस्ट के यहाँ आने में और वैसी रौनक नहीं जैसी पहले थी, तो शॉपकीपर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईद उल अज़हा के बाद यहाँ मज़ीद लोग आएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ की रौनक दोबारा बहाल हो जाएगी। Like a bird on... और ड्राई फ्रूट की दुकान से निकलने के बाद हमें अपनी भूख सता रही थी तो हमने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट का रुख किया। ये रेस्टोरेंट हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये जदीद भी है और इसके साथ साथ देसी अंदाज भी लिए हुए हैं। यहाँ टेबल्स और चेयर्स के साथ चारपाइयाँ भी लगी हुई हैं जिनके साथ गाँव तकिए लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये पेश करते हैं। हमने अपने लिए एक टेबल का इंतखाब किया और मेन्यू ऑर्डर करने का सोचने लगे। हमारे साथ वाली टेबल पे ही एक फैमिली भी मौजूद थी जो कि डिनर कर रहे थे, उनके साथ भी हमारी गपशप हो गई। तो वहाँ उनके साथ गपशप में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं तो उन्होंने बताया नहीं, वो पहले भी यहाँ आते रहते हैं और उन्हें यहाँ पहले के मुकाबले में बहुत सी चेंजेस नज़र आई हैं, यानी बहुत सी डेवलपमेंट्स यहाँ हो चुकी हैं पहले के मुकाबले में और आइंदा भी यहाँ आते रहेंगे, उन्हें यहाँ पसंद है। अब ये बताएं कि आप आते रहते हैं नारायण में फर्स्ट टाइम? नहीं, सेकंड टाइम आए। सेकंड टाइम आए, इसका मतलब आपको ये जो प्लेस है पसंद है, आपको विजिट करना यहाँ पे, आप एक दफा आते तो और आइंदा भी आप आते हैं ज्यादा, तो आपको उसी तरह लगा यहाँ पे सब कुछ एनवायरनमेंट जैसा? अच्छा, नहीं एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे डेवलपमेंटल बहुत जो है पहले से ज्यादा है, लेकिन पहले आपको क्या कह रहे हैं टूरिस्ट ज्यादा आते थे और ये जो कोरोना का मसला कोरोना के बाद कम है, लेकिन इधर इस साइड पे थोड़ा ज्यादा है, बाकी इस साइड का मौका है वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है जी। मैं भी अस्तोर से ऊपर गई हूँ तो वहाँ नहीं थे, बहुत कम थे। आप आइंदा भी आती रहेंगी? आप वैसे क्या करते हैं? स्टडीज करते हैं। और आप फर्स्ट टाइम आई हैं पहले? आपके साथ आते हैं हमेशा और आइंदा भी आई पसंद है ये जगह। ठीक है, थैंक यू सो मच। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see,
from up here the world seems small. बाजार में तरह तरह के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, यानी बड़े भी छोटे भी। इसके अलावा आपको रोड साइड पे कॉफी, चाय और फिंगर चिप्स वगैरह के स्टॉल्स भी नजर आएंगे। अगर आपको मेरा आज का इस्लामाबाद से नारान तक का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।